हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजन अकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम पढ़ने वाले हैं आज एग्जाम्पल नंबर 6, चैप्टर नंबर 6। ओके, तो सबसे पहले आपके सामने इनइक्वलिटी है, उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले एलसीएम लेके यहाँ पर 3x-4/2 ग्रेटर देन x+1-4 बाय हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ मैं बोथ साइड 4 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, बोथ साइड 4 4 से मल्टीप्लाई, ताकि ये तो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ ये 2 से 4 का 2 टाइम कटा, तो ये 2 3x-4 और यहाँ पे x-3 बच गया आपके पास। ठीक है, 2 3 6x, 2 4 8 और ये x-3। अब क्या करें, यहाँ पे बोथ साइड +8 कर रहा हूँ मैं, बोथ साइड +8 कर रहा हूँ मैं। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे -8 हटाना है यहाँ से, है ना। अब देखो, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये 6x बचा और यहाँ पे x+5 बचा। अब मुझे यहां से वेरिएबल वाले टर्म्स हटाना है, तो बोथ साइड -x कर देता हूँ इस बार, -x और ये -x, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और ये 6x क्या आती है 5x और ये 5। अब मैं डिवाइड बाय 5 कर देता हूँ, कितना बचेगा, ये यहाँ x बचेगा >1। कौन सी इनइक्वालिटी आ गई है, x इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1, दस वैल्यू ऑफ x x इज ऑल रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो +∞ है, जीरो है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3। अब मैंने क्या कहा, देखो एक्स इज ग्रेटर देन 1 है, तो यहां से शुरू होनी चाहिए आपकी गिनती, कुछ आ रहा समझ में। हाँ सर, यहीं से शुरू होना चाहिए मामला। और साथ में एक चीज और दे दी आपको, क्या कह दिया इसने, एक चीज और आपको, ये एक्स जो है वो इक्वल्स टू 1 भी है, तो इसके ऊपर इस तरीके से अंदर इस बार आपको शेड करना पड़ेगा, ताकि ये समझ में आ जाए। ये हो गया आपके पास ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। क्लियर है, अब बताओ क्या दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, किसके साथ, एग्जाम्पल नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।